नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के भोज जिला चिकित्सालय में एसएनसीयू यूनिट में भर्ती चार नवजात शिशुओं की एक ही दिन में यानी शुक्रवार को मौत हो गई। जिन परिजनों के बच्चों ने दम तोड़ा उनका आरोप है कि हमारे बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ थे, अचानक उनकी मौत हो गई, जिस पर डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी, किसी को दूध अटकना बता रहे हैं तो किसी को अन्य प्रॉब्लम होना बता रहे हैं, किसी को डकार नहीं होने की बात कही जा रही है। धार के भोज जिला चिकित्सालय में पिछले 12 घंटों में चार नवजात शिशुओं की मौत ने चिकित्सालय में शोक व गम का माहौल पैदा हो गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का आरोप है कि नर्स ने कहा था कि तुम्हारे बच्चों को डकार नहीं दिलाओगे तो तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, और हमारा बच्चा मर गया। चाणक्यपुरी में रहने वाले धीरज बोड़ाने पर तो मानो दुख का पहाड़ टूट गया है, क्योंकि उनके जिस नवजात ने जन्म लिया था उनकी खुशियां मनाई जा रही थी, अब उनके घर में मातम का दौर है। आपको बता दें कि उनका बच्चा उनसे बहुत दूर चला गया है। उनका मानना है कि मेरा बेटा स्वस्थ था, किंतु मेरे बेटे की जो मौत हुई है उसमें डॉक्टर और नर्स जिम्मेदार है। वही आज के दिन चार बच्चों की मौत से जिला चिकित्सालय प्रबंधन में भी हड़कंप मच गया। इन बच्चों की मौतों को वे लापरवाही होने से इनकार कर रहे हैं। वही डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों की मौत स्वाभाविक कारणों से हुई है, ना कि लापरवाही से। वही शिशु वार्ड की प्रभारी चिकित्सक का मानना है कि हमारे इन बच्चों की मौतों में कोई भूमिका नहीं है, बल्कि डकार नहीं लेने के कारण बच्चों की मौत हुई है। आपको बता दें कि धार में जहां कोरोना से लड़ने में जो जिला है वह अक्षम साबित हो रहा है, क्योंकि संदिग्धों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन में जहां कोरोना से लड़ने में अक्षम साबित हुआ, जिला प्रशासन शुक्रवार को एक बार फिर उस समय असफल साबित हो गया जब एक ही दिन में जिला अस्पताल में चार नवजात बच्चों की मौत हो गई, और कुछ ही घंटों में इन मौत ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। इधर प्रशासन सिर्फ बहाने बनाकर बचाने की जुगत में लगा हुआ है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। आप अभी बोल रहे थे कौन सी नर्स थी और उसने क्या बोला था आपको? वो बोले कि तुम्हारा बच्चा और तुम डिकारिया नहीं दिलाओगा, नहीं तो तुम्हारा बच्चा मर जाए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बोलेंगे कब की घटना है ये? कब बोले ये? सुबह 4 बजे सुबह, हमने 4 बजे वहाँ से 2 बजे आई है, तो न्याजी के समझू रात भर न्याज बैठे थे, तो इतने दो माँ बैठो में कि लल्ला उठी जाएगा अपनों मेरी कौन से मारेगी इकलिया मुंजा। तो मैंने रात में मैडम की मुझे दरवाजा खोलाया, मैंने ताड़ा खोला, 2-2 बजे रात है ना, 2 बजे रात नहीं आया, तो जब खोले तो यहाँ भी नहीं ढंग से मर रहा, तो तई वालों रे भगवान वाला जे मन के तो कुछ। ये नर्स और डॉक्टर की लापरवाही से अधिकतर तो नर्स ही है जमात पर। मैं तो बोल ये जो मामला हुआ, क्या मामला हुआ है पहले बताओ। वहाँ पर आईसीयू में रखा था और बच्चे को दूध, वो बोल रहे हैं कि दूध पिलाने के बाद कंधे पे रखना है, तो हमने 2-2.5 घंटे उनको घुमाया वहाँ पर, फिर भी वो उनने बहुत लापरवाही करी वहां पर। कुल मिला के डॉक्टर की लापरवाही है। हाँ, डॉक्टर और नर्स की, और नर्स भी सुबह सुबह हमको बोल रही है कि कंधे पे रखो, बंद मर जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। जब बच्चा हुआ था सेता में, हाँ, तो कितने वेट का हुआ था? 3 किलो का वेट था, बिल्कुल नॉर्मल था, और हल्का सा उसको सिर्फ गले में थोड़ा सा सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। अच्छा। हल्की सी, ज्यादा नहीं, वो भी नॉर्मल थी सिर्फ, और हल्की सिर्फ 2 दिन के लिए बोला था कि वहाँ पे आईसीयू में रखेंगे। अच्छा। और 4 बजे के बाद उन्होंने बोल दिया कि वो। अच्छा। और हमने डॉक्टर दो, हम 3-4 डॉक्टर को हमने फोन लगाया है। अच्छा। हाँ, सबको बोला कि आप देख लो, पर्सनल जाके देख लो, हम आपको पैसे अलग से दे देंगे, पर्सनल जाके देख लो, पर किसी ने नहीं सुनी, वो बोले कि सब नॉर्मल है। अच्छा। बस डॉक्टर से मिलने के बाद ही ये हो गया। आपका नाम बताओ। धीरज बोला है। ये एक बच्चा तो सुबह सहता नर्सिंग होम से आया था, जो सुबह तो ठीक था, बाकी जब मदर को दूध पिलाने के लिए दिया था और उसके बाद उसको जब लिया था तो हो सकता है उसने डकार भी ली थी, जब डकार के साथ में दूध आ गया था तो वो एस्पिरेट कर गया था,
मतलब वो सांस की नली में चला गया था और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। और जो दूसरा बच्चा था जो एक सुबह जिसकी डेथ हुई है वो करीब 800 ग्राम का था बच्चा, और एक बच्चा जिसको सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया था बचपन, मतलब जब जन्म के समय उसने सांस बहुत देर से ली थी उसके कारण उसकी डेथ हुई है। और जो चौथा बच्चा था उसको कंजेनिटल निमोनिया था जिसके कारण उसकी डेथ हुई सर। और पिछले लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि अच्छे से दिलाया था, पता नहीं कैसे दिलाया क्योंकि जैसे ही बच्चे को अंदर रखा वैसे ही उसने दूध एस्पिरेट कर दिया, उसके दूध जो है फेफड़ों में चला गया और इसी कारण उसने तुरंत सांस रोकी। कितने बच्चे के साथ ऐसी घटना हुई आज? आज एक ही के साथ हुई ऐसा, लेकिन यहाँ तो बता रहे हैं चार जने बता रहे हैं, चार बच्चे बता रहे हैं। तो दूसरे कारण से डेथ हुई उन लोगों की। एक जो बच्चा है वो 860 ग्राम का, मतलब ELBW, मतलब कि एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बच्चा था। दूसरा बच्चा जो था वो बर्थ एस्फिक्सिया था, सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया, एचआई ग्रेड 3 था। और इसके अलावा एक और जो था कंजेनिटल निमोनिया था, और आज एक एस्पिरेशन निमोनिया। तो आपका नाम बता? मैं डॉक्टर राशिका।